जो बैठी इधर कल्ली कल्ली ओए भाग रही है। अरे ये इसमें से मैं निकालता हूँ पहले। अरे बाप, यहाँ पर मैं पूरा एंटायर मटेरियल लेके आया जी। देखो नलियां भी अलग अलग हो गई। देखो यार देखो पा दो सारा वन पैकेट बढ़ जाओ तो जी फोर पैकेट। इसमें है कुछ नली? वो है तू आओ देखते जरा फूक मार के। अरे भाई ज्यादा नहीं पकाना क्या, ये तो खिचड़ी बन जाएगी यार। भाई ये आइडिया ऐसे आया कि भाई आजकल ना इंस्टाग्राम हेलो जी नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है जी वीडियो की। भाई वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है जी। आज हम बना रहे हैं जी भाई मैगी मटन करी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना। बर्तन लगा दिए जी, इसमें डाल दीजिए 14 टेबल स्पून भाई मस्टर्ड का तेल, 14 टेबल स्पून है जी। ठीक है भाई, इसके अच्छे खासे गर्म होने का वेट कर लो। तो जी तेल ठीक ठाक गर्म हो चुका है, धुआं उठ रहा है, तो डाल दो जी इसमें एक पाव प्याज भाई 250 ग्राम है जी। तो जी इस प्याज को आप हल्का हल्का पिंकिश पिंकिश ब्राउनिश ब्राउनिश होने तक भाई पका लो जी हाई फ्लेम। जैसे ही लगे आपको कि अपने प्याज जो है पिंकिश पिंकिश ब्राउनिश ब्राउनिश होना स्टार्ट हो गए हैं, तो भाई उसी टाइम पे डाल दो अदरक लहसुन का पेस्ट। भाई पेस्ट नहीं, दरदरा कूटा हुआ। हाँ 2 टेबल स्पून भाई लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक दरदरा कूटा हुआ। तो कर दो जी मिक्स मुक्स। साथ डालो जी हरी की मर्चा, जितनी मर्जी खानी खाओ। हाँ कुछ कर दो जी सब मिक्स। तो इसे आप अब 2 मिनट तक भाई हाई फ्लेम पे भाई पकाते हो। तो जी 2 मिनट हो गए जी पकते हो भाई जी। ठीक है करना लगे गैस का फ्लेम लो लो। इसमें डालो आधा चम्मच हल्दी यानी कि हल्दी भाई, 4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भाई, मीट मसाला मेरा फेवरेट भाई कितना 3 टेबल स्पून भाई, थोड़ा सा पानी मिला दो, बस ज्यादा नहीं मिलाना। हाँ गैस का फ्लेम हाई कर दो एंड कर दो इसको मिक्स मुक्स चंगे से। अब आप इसे भाई 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे भाई पकाएंगे। ठीक है लगे कि ड्राई हो रहा है तो भाई थोड़ा पानी मिला देना आप। तो जी 3 मिनट नहीं पूरे 5 मिनट हो गए यार। ठीक है अब करना क्या जी, गैस का फ्लेम लो लो। देख रहे क्या है भाई जी, मटन है भाई कितना है जी, 1 किलो 350 ग्राम है जी। चक लो ते पा दो सारा। तो जी कर दो मिक्स मुक्स चंगे से। ये मिक्स मुक्स हो गया जी, अब करना क्या जी, छिड़को जी नमक भाई स्वाद के अनुसार कर दो फिर मिक्स मुक्स। तो अब क्या करना है जी, करना कुछ नहीं है, इसे आप 10 से 12 मिनट के लिए भाई हाई फ्लेम पे भाई पका लो। ठीक है तो कच्ची चलाते रहना बीच बीच में। तो दोस्तों भाई 10-15 मिनट हो गए जी, सो पकते हुए भाई पानी भी भाई ठीक ठाक छोड़ा जी मटन ने। ठीक है जी अब करना क्या जी, करना कुछ खास नहीं है, डाल दो जी इसमें करी। तो जी मैंने इसमें मिला दी जी 3 ग्लास। ठीक है जी वो डिपेंड करता है जी आपकी रिक्वायरमेंट कितनी हैगी है। ठीक है जी अब करना कुछ नहीं है जी, करना ये है कि बस आपको उसके उबाल आने का वेट करने का है। तो जी ठीक ठाक उबाल आ चुकी है, इस पे ढक्कन रख लो, गैस का फ्लेम लो लो जब तक ये भाई मीट गलता है। तो दोस्तों भाई 2 करोड़ साल हो गए, चक लो भाई पूरे 1.5 घंटे लगे जी इसको भाई बनने में। ठीक है जी भाई मुद्दा ये है। तो जी आओ चेक करते हैं अब कितना गला हुआ, पहले मैं आया था तब नहीं गला था यार। मखाना मखाना। ठीक है जी तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार है जी, अब करते हैं नेक्स्ट कार्रवाई। तो दोस्तों भाई नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से कढ़ाई लगा दीजिए हमने। ठीक है जी अब करना क्या है, तो जी इसमें ऐसे खंगालो। ठीक है जी ऐसे करके खंगालो और चक लो एंड डाल दो। इसमें हम करने के जा रहे हैं जी, इसमें हम बनाने जा रहे हैं जी मैगी। ठीक है जी भाई 4 पैकेट बनाने हैं तो उसी हिसाब से मैंने ग्रेवी लेके रख दी हुई है। तो इसके हल्के फुल्के उबालने वेट कर लो जी, हल्की फुल्की उबालना स्टार्ट हो गई है। तो डाल दो जी मैगी का 1 पैकेट, बढ़ जाओ 2 पैकेट, तो जी 4 पैकेट। तो जी घोलो मिलाओ एंड पकाओ। तो जी मिक्स मुक्स हमने कर दिया जी, करना क्या है, तो डाल दो जी इसका अपना खुद का मसाला भाई 4 पैकेट होगा, डाल दो सारे सारा। तो जी 4 के 4 पैकेट मिला दे जी, तो कर दो जी इसको मिक्स मुक्स अच्छे से। तो जी मिक्स मुक्स मैंने कर दिया जी, करना क्या है भाई, डाल दो उसमें मटन के पीसेस। तो जी कर दो उसको मिक्स मुक्स चंगे से। तो जी इसको वैसे पका लो जैसे हम अपनी मैगी बनाते हैं ना, बस वैसे बनाओ उसको यार। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार है जी, करते हैं जी अब टेस्ट। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार हुई जी अपनी भाई मैगी, भाई कौन सी भाई, मटन नली वाली भाई। देखो यार भाई पहले तो इसको छोड़ो, पहले ये देखो आप यार भाई, ये दिखने में लग कैसा रहा है भाई। आप तो सोचो भाई 3 पीस डाले थे तूने कढ़ाई में, ये इतने सारे कहाँ से आए भाई, थंबनेल शंबनेल के लेना पड़ता ना यार। हाँ भाई देखो जी ये स्थिति है, क्या स्थिति है, ये स्थिति है भाई इसके मैगी किसके सॉरी इस मैगी की यार। भाई देखो कैसी लग रही है, हाँ भाई ज़्यादा नहीं पकाना क्या, ये तो खिचड़ी बन जाएगी यार, फिर खड़े स्वाद नहीं आएगा। हाँ देखो ये स्थिति एंड दिस इज नली नली पीसेस अलॉन्ग विद एंटायर मटेरियल। हाँ और भाई यहाँ पर क्या किया जी, यहाँ पर मैं पूरा एंटायर मटेरियल लेके आया जी। देखो हाँ नलियाँ भी अलग अलग हो गई, देखो यार और देखो ये कहीं बाद में खो ना जाए, इनको भी ला के रख देता हूँ यार, कहीं खो ना जाए बाद में, इनको खोने देना नहीं हमने यार। एक और पड़ी थी यार वो भी डी अटैच हो गई थी जी फाइल से। हाँ अवे किसे अवे ये रही है, ये भी भाई डी अटैच हो चुकी है जी, हाँ बिछड़ गया जी राइफल। आ भाई तू भी आ जा, आ भाई। अब मुद्दा ये कि हमने पूरी प्लेट सजा के रख दी है, साथ में ये धनिया रखा हुआ है जी देखने के लिए कि भाई ये दिस इज कटे कटे प्याज। अब आप ये पूछोगे भाई ये आइडिया कहाँ से आया, भाई ये आइडिया ऐसे आया
कि भाई आजकल ना इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब पे आप जहाँ पर स्क्रॉल करोगे ना यार, तो यार आजकल ना बहुत चल रहा वीडियो आजकल मैगी भाई मटन वाले यार। हाँ मैं कहा यार अगर उन्होंने ट्राई किया तो हम भी एक बार ट्राई करके देख लेंगे भाई, अपना काम ये एक्सपेरिमेंट करने का है यार। अब मुद्दा ये कि खाने में होगा कैसा यार, मैं तो भाई सही में बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए भाई, खाने के लिए कि भाई टेस्ट में कैसा होगा यार। हाँ पहले मैगी खाएगा यार, भाई मैगी पहले विदाउट एनी धनिया दुनिया। ये जेसीबी का चिमटा यार मुझे ना ख्याल, ये देखो मैं पहले माफ़ी चाहता हूँ भाई, मुझे ना यार चिमटे चुमटे से खाना नहीं आता यार। अगर कोई गलती गुलती हो गई तो क्षमा कर देना उसके लिए मुझे प्लीज़ यार। ये जेसीबी का चिमटा एंड दिस इज जेसीबी का बुलडोजर। आ भाई भाई फ्लेवर तो है यार नो डाउट, मैगी के साथ खाने में ना एक अलग ही लेवल का ना एक फ्लेवर आता है यार। अब पता नहीं यार मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, बट ये है कि मैगी के साथ भाई मटन ग्रेवी भाई बहुत लजीज लग रही है यार। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ भाई जावर लग रही है जावर यार, सच में कह रहा हूँ यार, थोड़ा और बनता है यार। आवे भाई आप इमेजिन नहीं करोगे जो मैगी मसाले के खुद के मसाले उनका तो भाई नामो निशान तक नहीं है, बल्कि समझ ही नहीं आ रहा वो गे का है। मटन के फ्लेवर ने उसको इतना दबा दिया जी कि मैगी मसाले का फ्लेवर ही नहीं है इसके अंदर यार, लग ही नहीं रहा भाई किसी एंगल से कि हम मैगी खा रहे हैं भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे खुद पर लेनी पड़ रहा है। तो ये मुद्दा ये है कि अब हमने चेक करना है भाई धनिए से कैसा टेस्ट आएगा। हाउ इट टेस्ट आफ्टर धनिया अटैचिंग फाइल इन इट। आओ यार कर दो जिसको मिक्स मुक्स चंगे से, क्योंकि उस वीडियो में देखा भाई धनिया भी अटैच फाइल किया गया था। मैं कहा अब देखते हैं। अरे बट टेस्ट और चेंज हो गया यार, बट वाक में यार है यार दम तो है यार, मतलब पावे आप धनिया डाल के खाओ पावे आप बिना धनिया के खाओ भाई टेस्ट तो है यार, जबरदस्त टेस्ट है यार इस मैगी के साथ में। हाँ और भाई मैगी मसाला नहीं सच मीट मसाला वही है मेरा फेवरेट जो बता दिया मैंने वो बिना स्पॉन्सर किया भाई कैच वालों का, ठीक है भाई वो यूज़ करना अच्छा फ्लेवर आएगा। अब मुद्दा ये है कि ये नली है ना जो बैठी इधर कल्ली कल्ली ओए भाग रही है। अरे ये इसमें से मैं निकालता हूँ पहले। अरे बाप क्या लोडेड निकला रे। हाँ जब हम किंग खाते तब नहीं आता यार, देखो आज मैगी ने क्या रंग दिखा दिया सर। इसे क्या करना जी, इसे मैं ना अरे कितना नाजुक है, इसे मैं आधा कटूंगा और इसको इसके साथ मिला के ना अटैच करके ना अटैच कर दूंगा यार। अब देखते हैं कि अब क्या धमाका फिरने वाला जी इस कारतूस का इस मैगी के साथ में यार। ओ भाई जाबरा जाबरा क्या फ्लेवर आया यार, क्या टेस्ट आया भाई, आप बिलीव नहीं करोगे इस कारतूस ने क्या दशा चेंज कर दी भाई इस मैगी के टेस्ट की यार, इतना फ्लेवरफुल हो गया यार। बट मैं इसको तो उसको हाथ से खाऊंगा, हाथ से मुझे ना हाथ से खाने का बड़ा स्वाद आता। देखो यार कितना लोडेड निकला इस बार यार, पूरा शेप में शेप है भाई, मजा आ गया यार सच में गरम मजा आ गया यार। अब मुद्दा ये है भाई जब चेक करना तो सारे चेक करने अच्छे से, मटन तो भैया देखो बिना हाथ के गुजारा नहीं है, एनो कट के ना ऐथे पाने हैं यार तो एनो फिट करके ना है अटैच करके खाने हैं यार। आवे भाई जावड़ा भाई देखो अभी मेरे बाइट रुकी हुई है, वाकई में क्या फ्लेवर है यार। भाई मैं सच में कह रहा हूँ, देखो जी अब उस भाई ने क्या क्या मसाले उपयोग किए हुए हैं मुझे नहीं पता, बट मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कैच मसालों का जो मैं मैगी ये मीट मसाला यूज़ करता हूँ और हल्दी और मिर्च जो देखो कॉमन है यार, ये आपको हर जगह ऑल ओवर इंडिया मिल जाएंगे है ना भाई, इस तरह से ना आप ये ज़रूर ट्राई करना, मुझे ज़रूर अपना फीडबैक देना भाई आपको कैसा लगा, मुझे बड़ा पसंद आया यार सच में कह रहा हूँ। इसमें है कुछ नली वो है तू, और देखते जरा फूक मार के। अरे अरे यार आज तो लॉटरी लगी है, लॉटरी है आज तो खुली है लॉटरी लगी है, मैगी ने आज कमाल कर दिया जी। इसको मैसे नहीं ऐसे खाए या मैगी के साथ खाए, मैगी से खाते हैं मैगी के साथ ही यार। आ मैगी भाई तू तो आज खेल कर रही है हमारे साथ में। अरे सच में यार अब इमेजिन नहीं करोगे भाई क्या टेस्ट आ रहा है यार, सच में कह रहा हूँ भाई बना के खा के ट्राई करो देखो क्या फ्लेवर है यार। हाँ भाई वैसे है तो यार इनोवेटिव आइडिया है यार ये देखो। अब भाई ज़्यादा उड़ गया यार, थोड़ा कम कम आओ ना यार। थोड़ा और बनता है, इसमें थोड़ा पीस ना काट के इसमें अटैच करके ना खाई लेते यार।
भाई मैगी तुमने भाई चख ली, बहुत स्वाद आया। हाँ बड़ा मज़ा आया यार, सच में कह रहा हूँ, बनता है, ट्राई करना, बनता है। बट मुद्दा ये है कि जो किंग है, किंग का मुकाबला भाई किसी से नहीं हो सकता भाई, सिंपल सी बात है। मैं अब किंग को लेके आता हूँ जी इज्जत तरीके से भाई इनको खाने के लिए यार। तो लो जी भाई, किंग की एंट्री हो चुकी है। आज किंग चिपका चिपका है, देखो है ना, 1 2 3 4 प्रॉपर नहीं हो पाया भाई आज। और भाई ये पहले नलियां मैं उठा के लाया जी, ठीक है जी भाई, कहाँ से, मैगी से चुरा कर लेके आया मैं इसको। मैं कह ना आज क्यों जाया नहीं करना भाई, किंग के साथ रखना है इसे हमने। बट ग्रेवी जो है ना मस्त मस्त सी वो हम, अबे तू क्या, नहीं तू कुछ नहीं है, तो हम यहाँ से लेंगे यार। अबे ग्रेवी पड़ जा पड़ जा पड़ जा पड़ जा, कर दो जी इसको मिक्स मुक्स चंगे से। भाई पहली बाइट भाई जमीन आसमान का फर्क आया टेस्ट में, सच में यार। मतलब उसमें मैगी मसाला पड़ा हुआ है, उसने वाकई में ऐसे तो मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि उसने कुछ गेम खेली हुई है। बट यार किंग के साथ खाने पे ना वाकई में गेम चल रही थी भाई, वाकई में उसमें ना मैगी में कुछ ज़्यादा फ्लेवर आया हुआ है यार उस मसाले से। पहले तो हम इस नली का भी गेम कर लेते हैं ना, अब इसको हम निकालते हैं इज्जत से। अरे वाह, आज तो लॉटरी लगी भाई, लॉटरी छींटे पड़ रहे मेरे पैंट, मेरे को चक्कर नहीं है। ओए आज तो लॉटरी लगी यार, बट इतना नहीं जितना मैगी में निकला उतना नहीं निकला यार। हाँ भाई मजा आ गया, मजा स्वाद है स्वाद। आओ यार थोड़ा धनिया छिड़कते हैं इसके ऊपर। ग्रेवी थोड़ी कम लग रही है, ग्रेवी थोड़ी अटैच ऑयल और कर देते हैं इसके ऊपर। धनिया वाकई में यार, धनिया धनिया ही है। नली नलियाँ तो खाली करनी है आज हमने सारी नलियाँ खाली करनी है ना। इसमें मुश्किल लग रहा है मेरे को, ये है कुछ डायरेक्ट डायरेक्ट खाली। तो दोस्तों भाई ये कारनामा हमने आज कर दिया, बना डाला हमने भाई मैगी वाला मटन नलियों वाला, बड़ा स्वाद आया सच में यार, बड़ा स्वाद आया भाई। ट्राई करना बनता है, देखो है सिरदर्दी वाला काम है बट ट्राई करना बनता है यार, है अनोखी चीज़ है यार, एक्सपेरिमेंट कामयाब है। तो दोस्तों भाई यदि अपनी मैगी मटन करी नली वाली आप ये जरूर ट्राई करना, मुझे बताना भाई कैसे लगी और कैसी बनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।